तो देखिए, आज अपना जो चैप्टर है वो नया चैप्टर शुरू होगा, हाई महाराजा। और बेटा इसको दो पार्ट में पढ़ लेंगे अपन, दो में पढ़े तीन में पढ़े, एक दो में पढ़ लेंगे, तीन में क्यों पढ़ेंगे। तो अपन दो पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए शुरू कीजिए, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक तो इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी पतंग को लेकर, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो बच्चे हैं तीन, उन बच्चों के ऊपर आधारित होता है। तो देखिए क्या क्या पूछते हैं, एक बार अपन चैप्टर को रीड आउट करते हैं। समर वॉज डन, गर्मियों का जो समय था वो खत्म हो गया था। द स्काई दैट हैड बीन वाइट विद हीट विद ब्लू, और गर्मी के कारण जो आसमान या धूप के कारण जो आसमान सफेद होता था, अब वो ब्लू हो गया था, नीला हो गया था। द डेज दैट हैड बीन लॉन्ग एंड हैवी वर शॉर्ट एंड जेंटल, लंबे और भारी जो दिन थे, यानी लंबे लंबे दिन और भारी महसूस होने वाले जो दिन थे, उबाऊ महसूस होने वाले जो दिन थे, वो अब छोटे हो गए थे, जेंटल अच्छे लगने वाले दिन हो गए थे। ओल्ड नाउ वी कुड हैव फ्लोन आवर काइट्स, अब हम पूरे दिन भर हमारी पतंगे उड़ा सकते थे। वी फ्लू देम इन द आफ्टरनून इन द बिग पेडॉक, हम बड़ा सा जो बाड़ा है, पेडॉक का मतलब होता है पशुओं का बाड़ा, वो बड़ा सा जो पेडॉक होता है पशुओं का बाड़ा, उसके अंदर पूरी दोपहर बाद हम पतंगे उड़ाते थे। दैट हैड बीन क्लियर्ड फॉर द हॉर्सेज, यानी वो पूरा का पूरा पेडॉक, वो बाड़ा जो घोड़ों के लिए साफ करके तैयार कर दिया गया था। देयर वॉज नो स्टब देयर टू ट्रिप अस, अब वहां कोई झाड़ियां नहीं थी, वो झाड़ियां जो हमें ट्रिप कर सके, जो हमें रोक सके। एज वी रैन, दौड़ते समय ठोकर लग जाए, इस प्रकार की कोई झाड़ियां नहीं थी। नो ट्रीज टू ट्रैप टू टीयर द काइट्स, और नहीं कोई ऐसे पेड़ पौधे थे, जो पेड़ पौधे क्या करते, हमारी जो पतंगे थी उनको ट्रिप करके फाड़ सके, यानी कि अब कोई ऐसे पेड़ पौधे भी नहीं थे जिन पेड़ पौधों से टकराकर हमारी पतंगे फाड़ जाए, या फिर दौड़ते समय हम टकराकर गिर जाएं, ऐसी कोई झाड़ियां नहीं थी, क्योंकि पूरा का पूरा जो पेडॉक का जो बाड़ा था उसको साफ कर दिया गया था घोड़ों के लिए। माई काइट लाइक लाल्स वॉज होम मेड, लेखक कहता है कि मेरी जो पतंग थी वो लाल की पतंग के जैसे ही होम मेड पतंग थी, यानी घर पर बनाई हुई पतंग थी। इट्स फेसेज वॉज न्यूज़पेपर, इसका जो चेहरा था वो समाचार पत्र के कागज का होता था। कहने का मतलब मेरी पतंग जो लाल की पतंग है, उस लाल की पतंग के समान ही घर पर बनी हुई पतंग होती थी, और इसका चेहरा न्यूज़पेपर के कागज का होता था। ब्राउन पेपर वॉज टू हैवी, भूरे रंग का जो कागज होता है वो काफी भारी होता है। बट वेन इट वॉज स्वाइंग इन द स्काई, लेकिन जब मेरी पतंग आसमान के अंदर झूलती थी, इट लुक्ड ग्रे एंड ब्यूटीफुल, तो ये बिल्कुल काली काली दिखाई देती थी, ग्रे रंग की दिखाई देती थी और बहुत सुंदर दिखती थी। लेखक कहता है कि मेरी पतंग लाल की पतंग के जैसे ही होममेड होती थी, घर पे बनी हुई पतंग होती थी, और इसका जो चेहरा होता था वह समाचार पत्र के अखबार के कागज का होता था। ये भूरे रंग की पतंग थी, हैवी पतंग थी, लेकिन जब आसमान में ये झूलती, जब आसमान में ये उड़ती थी, तो ये नीले रंग की सुंदर पतंग के रूप में दिखाई देती थी। बट इट वॉज द टेल दैट वॉज रियली ब्यूटीफुल, लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो ये जो पतंग थी, इस पतंग की पूंछ वास्तव में ही बहुत ज्यादा सुंदर थी। इट वॉज रेड एंड ग्रीन क्लॉथ, इसकी जो पूंछ थी वो लाल और हरे रंग के कपड़े की थी। That Amma had dyed specially to be beautiful, जो कि अम्मा ने इस कपड़े को डाई किया था, मतलब इसको सुंदर लाल और हरे रंग से डाई किया था, जो इसकी पूछ थी वो काफी सुंदर दिखाई देती थी। रसीदा's kite was different, रसीदा की जो काइट थी वो अलग थी। बेटा यहीं से क्वेश्चन बनता है, हाउ वॉज रसीदा's kite different, कि रसीदा की जो पतंग थी वो अलग कैसे थी, यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। रसीदा's kite was different, रसीदा की पतंग अलग थी। इट sang, ये पतंग गाना गाती थी। इट हैड कम फ्रॉम इंडिया, ये पतंग भारत से आई थी। वेन रसीदा वॉज बॉर्न, और कब आई थी, जब रसीदा का जन्म हुआ था।
यानी रसीदा के जन्म के समय ये पतंग भारत से आई थी। एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ हर फादर हैड सेंट इट टू हिम फॉर हर, क्योंकि उसके पिताजी के एक पुराने मित्र थे और उसके पिताजी के पुराने जो मित्र थे उन्होंने रसीदा के लिए उनको उसके जन्म पर यह पतंग भेजी थी। इट हैड बीन ब्राइट ग्रीन व्हेन शी हैड फर्स्ट फ्लोन इट, जब पहले बार रसीदा ने इस पतंग को उड़ाया था उस समय वास्तव में ये एक चमकीली हरे रंग की पतंग थी। बट दैट वॉज ए लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन वो काफी लंबे समय पहले की बात थी। एंड इट हैड मैनी कलर्ड फेसेस सिंस देन, और उसके बाद तो इस पतंग के अलग अलग रंगों के कई चेहरे हो गए। कहने का मतलब जहां से पतंग फट जाती है तो उसके अलग से कागज चिपका दिया जाता है, और या आज के जमाने के जैसे नहीं एक बार पतंग कट गई या फट गई तो दूसरी उठा ली और उड़ा ली। एक ही जो पतंग हुआ करती थी उसी पतंग को उड़ाया जाता था, उसी पतंग को यदि फट जाती थी तो उसको ठीक किया जाता था, उसको मेंड किया जाता था और फिर से उड़ाया जाता था। तो पहले बार जब रसीदा ने इस पतंग को उड़ाया था तो ये बिल्कुल चमकीले रंग की हरे रंग की पतंग हुआ करती थी, लेकिन अब काफी लंबे समय पहले की बात थी वो, उसके बाद में तो इसके अलग अलग रंगों के कई चेहरे हो गए। बट द स्टिक्स एंड द पाइस्ड बंबू रीड दैट वॉज द काइट्स वॉइस, लेकिन इस पतंग की ताड़ियां स्टिक्स और इसके साथ साथ में अपन कहें पाइस्ड बंबू रीड और एक आगे से चीरी हुई फटी हुई बांस की नली जो कि इस पतंग की आवाज थी, जो कि इस पतंग की आवाज थी, देवर ऑलवेज द सेम, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो हमेशा से वैसी की वैसी थी जैसी शुरू से थी। तो क्या कहता है लेखक कि रसीदा की जो पतंग थी लंबे समय पहले जब उसने उड़ाया था तो काफी चमकीले हरे रंग की पतंग थी, बाद में लेकिन वो कई लंबे समय पहले की बात थी इसके कई रंगों के चेहरे लग गए, लेकिन पतंग की ताड़ियां और उस पतंग में एक बांस की फटी हुई कह सकते हैं, चिरी हुई कह सकते हैं, एक नली लगी हुई थी वो बिल्कुल सेम वही थी, और वो बांस की जो लगी हुई नली थी वो नली ही इसकी क्या थी, आवाज थी। द कलर्ड पेपर टू मेक इट्स फेस केम फ्रॉम सॉन्गलिंग, यानी कि रंग बिरंगा जो कागज है इस पतंग को मैक करने के लिए, इसके चेहरे बनाने के लिए, वो सॉन्गलिंग से आता है। ए चाइना मैन हु हैड अ स्टोर इन टाउन, एक चाइनीज व्यक्ति का कस्बे के अंदर स्टोर है, उसकी दुकान है। समटाइम्स हिज गुड्स वर पैक्ड इन कलर्ड पेपर, कई बार उसके उसका जो लगेज होता है, जो सामान होता है, वो रंग बिरंगे कागज में लिपटा हुआ होता है। एंड ही ऑलवेज सेव्ड इट फॉर अस, और हमेशा वो ये कागज हमारे लिए सुरक्षित रखता है, हमेशा वो ये कागज हमारे लिए सुरक्षित रख लेता है। अ लॉन्ग टाइम अगो इन चाइना ही हैड फ्लोन काइट्स टू, काफी लंबे समय पहले उसने भी चाइना के अंदर पतंगे उड़ाई थी। फादर कैप्ट द पेपर इन ए बॉक्स, पिताजी उस कागज को बक्से के अंदर संभाल के रखते थे। इट वॉज यूज ओनली फॉर रसीदास काइट, ये कागज सिर्फ रसीदा की पतंग के लिए यूज होता था। Which we all knew was special, जो कि हम सभी जानते थे कि वो एक special पतंग थी। It could sing, और special इसलिए थी क्योंकि ये गा सकती थी, क्योंकि ये पतंग गा सकती थी इसलिए ये special पतंग थी। We wound the kite strings round bamboo rollers, हम हमारी जो पतंगे होती थी, we wound the kite strings round bamboo rollers, हम पतंग की जो डोरी होती थी उसको बांस की चरखों के चारों तरफ लपेट लेते थे। विच फादर हैड ब्रॉट विद हिम फ्रॉम द पंजाब, और ये वो चरखियां थी जो पिताजी पंजाब से अपने साथ लेकर आए थे, पिताजी पंजाब से लेकर आए थे, और उन चरखियों पर हम पतंग की डोर को लपेट लेते थे। ही हैड बीन द बेस्ट काइट फ्लायर इन हिज विलेज, पिताजी जो हुआ करते थे वो अपने गांव में सबसे अच्छे पतंगबाज हुआ करते थे, सबसे अच्छे पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति हुआ करते थे। He used to tell us stories of the kite seasons there and of the Basant Panchami. वे पिताजी जो थे हमेशा से ही हमें kite season, जो पतंगों का जो मौसम होता था, पतंगों का जो दौर होता था, उसकी कहानियां सुनाते थे। And there of Basant Panchami, बसंत पंचमी की कहानियां सुनाते थे।
स्प्रिंग फेस्टिवल व्हेन ऑल इंडिया फ्लू काइट्स, यानी वो बसंत पंचमी जब सभी के सभी भारतीय वहां पतंगे उड़ाते हैं, एंड देयर वर कॉम्पिटिशन टू सी हु फ्लू देम बेस्ट, और एक प्रतिस्पर्धा भी होती है, कंपटीशन भी होता है कि सबसे अच्छी पतंग किसने उड़ाई। अम्मा टोल्ड अस स्टोरीज टू लीजेंड अबाउट ब्रेव यंग राजास यूजिंग काइट्स एज मैसेंजर ऑफ लव ऑफ ए जनरल हु चीयर्ड हिज सोल्जर्स बाय टाइंग अ लैंटर्न टू अ काइट एंड टेलिंग देम इट वाज द स्टार ऑफ विक्ट्री ऑफ विलेजर्स। अम्मा हमें कहानियां भी बताती थी, अम्मा कहानियां सुनाती थी। लीजेंड्स का मतलब होता है प्राचीन महारथियों से संबंधित कहानियां, अबाउट ब्रेव यंग राजास यूजिंग काइट्स एज मैसेंजर्स ऑफ लव, यानी कि जो राजकुमार हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, वो पतंगों का उपयोग अपने प्यार के संदेश भेजने के लिए करते थे। पतंग पर प्यार का संदेश लिखा और पतंग को प्रेमिका की छत पर पहुंचा दी, या प्रेमिका ने प्यार का संदेश लिखा और पतंग को प्रेमी की छत पर पहुंचा दी। इस प्रकार से वो क्या करते थे, इन प्यार के मैसेज पहुंचाने के लिए पतंगों का इस्तेमाल करते थे। और फिर जनरल वो चीयर द ही सोल्जर्स बाय टाइंग अ लैंटर्न टू अ काइट एंड टेलिंग देम इट वाज अ स्टार ऑफ विक्ट्री। और जो सेनापति होते थे वो पतंग पर लैंटर्न बांध के छोटी चमकने वाली चीज बांधकर और उस पतंग को आसमान में उड़ाकर अपने जो सैनिक होते थे उन सैनिकों को संदेश देते थे, उनको खुश करते थे, टेलिंग देम इट वॉज द स्टार ऑफ विक्ट्री, और उन सैनिकों को बताते थे कि ये एक जीत का सितारा है, ये जीत का स्टार है। वो ऑल नाइट लॉन्ग फ्लू सिंगिंग काइट सो दैट दे माइट सिंग अवे एवरी हार्म एंड हर्ट। गांव वाले जो होते थे वो पूरी रात रात भर क्या करते थे, गांव वाले जो होते थे वो पूरी रात रात भर गाने वाले पतंगे उड़ाते थे, और गाने वाले पतंगे उड़ाने के लिए क्या करते थे, इसलिए उड़ाते थे ताकि जीवन के अंदर जो भी कोई कष्ट है, जीवन के अंदर जो भी कोई पीड़ा है, दर्द है, वो सारा का सारा कष्ट और पीड़ा खत्म हो जाए। बट दीज थिंग्स बिलोंग टू इंडिया एंड लिजेंड टू नॉट टू रसीदा नॉट टू लाल एंड नॉट टू मी। लेकिन ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी कथाएं ये भारत में हैं, यानी ये भारत की बातें थी, रसीदा के लिए, मेरे लिए और लाल के लिए। रसीदा नॉट लाल एंड नॉट टू मी, मेरे लिए, लाल के लिए और रसीदा के लिए इन बातों का कोई महत्व नहीं था। वी फ्लू अवर काइट्स बिकॉज वी लव द डीप एंड डाइव एंड सर्वे ऑफ देम अगेंस्ट द स्काई। हम तो पतंगे सिर्फ इसलिए उड़ाते थे क्योंकि आसमान में उन पतंगों को उड़ाना, उनको लहराना, उनको गोता लगवाना, ये हमें अच्छा लगता था। द टग ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द रोलर्स इन आवर हैंड्स, यानी कि हमारे हाथों में जो चरखियां होती थी, उन चरखियों से, हमारे हाथों में जो चरखियां होती थी, उन चरखियों से जो डोर होती थी, उस डोर का टग होना, That was why we took the billy of the floor and water pass. और यही कारण होता था कई बार हमारे हाथ से डोर टूट जाती थी, छूट जाती थी, झटका लग जाता था, पतंग फट जाती थी, इसलिए हम क्या करते थे, हम आटे का वॉटर पैस, आटे और पानी का मिला हुआ पेस्ट साथ रखते थे, जिसको अपने यहाँ भाषा में बोलते हैं लाही। लाही क्या बोलते हैं उसको, जो चिपकाने है? लाई बोलते हैं जिसको चिपकाने के लिए यूज करते हैं, आटे में पानी मिलाकर और फिर वो जो उसका एक घोल बना लेते हैं उससे कागज चिपकाने के लिए हम रखते थे। द पेपर फॉर मेंडिंग द स्ट्रिंग एंड अवर काइट्स डाउन टू द बिग पैडॉक, यानी कि कागज और ये लाई वगैरह जो होती थी, ये वाटर और आटे का जो पेस्ट होता था, इसकी बिली, इसकी डेगची हमारी यहीं पड़ी रहती थी। एंड चेज द हॉर्सेज अवे फ्रॉम अस, जो घोड़े होते थे उनको हम हमारे से दूर भेज देते थे, डाउन टू द फार एंड वेयर द ट्रीज वर, घोड़ों को हम उस पूरे के पूरे पेडॉक में, उस चरवाहे के अंदर, उस चरने वाले बाड़े के अंदर दूर भेज देते थे, जहाँ पेड़ वगैरह होते थे, वनस्पति वगैरह होती थी, तो वहां घोड़े रुक जाते थे और हम सब के सब वहां
जिस जगह साफ किया हुआ जो मैदान था, जहां कोई झाड़ियां नहीं थी, जहां कोई टकराने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं थे, ऐसी जगह हम पतंगे उड़ाते थे। रसीदा ने कहा, रसीदा आई सेड देयर इज नो स्ट्रिंग फॉर योर काइट। मैंने रसीदा से कहा कि रसीदा तुम्हारी पतंग के लिए कोई डोरी नहीं है। शी लुक्ड एट द रोलर्स, उसने चरखों की तरफ देखा। आई विल यूज ऑर्डिनरी स्ट्रिंग, फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ये जो सामान्य डोरी है इस सामान्य डोरी से ही पतंग उड़ा लूंगी, जो सिंपल वाली डोरी है उसी से मैं पतंग उड़ा लूंगी। योर काइट इज टू वीक, फादर सेड यू विल हैव टू यूज द थिक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। मैंने कहा कि तुम्हारी पतंग मोटी है, तुम्हारी पतंग बड़ी है, पिताजी ने कहा है, या पिताजी ने कहा था कि तुम्हें हमेशा भारी डोर का प्रयोग करना है, हल्की डोर से पतंग को नहीं उड़ानी है। इट विल बी ऑल राइट सेड रसीदा। रसीदा ने कहा कि कोई बात नहीं, आज भारी डोर नहीं है तो इस डोर से ही उड़ा लूंगी। द विंड इज नॉट स्ट्रॉन्ग टूडे, क्योंकि आज हवा बहुत तेज नहीं चल रही है, और जब हवा बहुत तेज नहीं चलती है तो फिर भारी डोर की आवश्यकता नहीं होती। वी वर ट्राइंग द स्ट्रिंग टू द काइट्स, वी वर ट्राइंग द स्ट्रिंग टू द काइट्स व्हेन लाल मेंशन द हाई महाराजा। हम पतंगों के डोरी बांध ही रहे थे, पतंगों के धागा बांध ही रहे थे, इतने में जो लाल था उसने हाई महाराजा का वर्णन कर दिया। उसने हाई महाराजा के बारे में बात की। वी लुक्ड अप एट द स्काई, जैसे ही उसने हाई महाराजा के बारे में बात की तो हमने आसमान की तरफ ऊपर देखा। लुक्ड इन एवरी डायरेक्शन, हमने हर दिशा में देखा कि हाई महाराजा कहाँ था। ही ऑलवेज कम्स व्हेन ही ऑलवेज ही इज नॉट हियर सेड रसीदा। तब रसीदा ने कहा कि या तो कोई हाई महाराजा नहीं है, या तो कोई हाई महाराजा दिखाई नहीं दे रहा है। ही ऑलवेज कम्स व्हेन वी फ्लाई अवर काइट्स, आई सेड। फिर मैंने भी कहा, भाई जब अपन पतंगे उड़ाते हैं तो हमेशा वो आता है। वी कैन नॉट फ्लाई देम अनलेस वी आस्क हिम, हाई महाराजा से परमिशन लिए बिना तो हम पतंगे नहीं उड़ा सकते। मैंने कहा हाई महाराजा से अनुमति लिए बिना अपन पतंगे नहीं उड़ा सकते। सेड लाल लुकिंग एज दो ही वुड क्राई, ये कहते कहते लाल रोई पड़ा, जैसे कि मानो, मतलब लाल ने कहा कि हाई महाराजा से अनुमति लिए बिना तो हम पतंग नहीं उड़ा सकते, और इस प्रकार से कहा जैसे कि मानो वो कहते कहते रोई पड़ा था। ही इज द किंग ऑफ द स्काई, क्योंकि वह आसमान का महाराजा है, क्योंकि वह आसमान का राजा है, और उसकी अनुमति के बिना हम आसमान में पतंग कैसे उड़ा सकते हैं। वी कॉन्ट आस्क हिम, सेड रसीदा, इफ ही इज नॉट हियर। रसीदा ने कहा कि वो बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन जब हाई महाराजा आसमान में है ही नहीं तो अपन उससे परमिशन कैसे लें। वी स्टेड एट द थर्ड हिल, इसके बाद में हम सब ने तीसरी पहाड़ी की तरफ घूर कर देखा। इट वॉज फ्रॉम देयर दैट ही ऑलवेज कैम, यानी कि ये तीसरी पहाड़ी ही वो जगह थी जहां से हमेशा हाई महाराजा आया करते थे। Perhaps he can see us, I said. मैंने कहा कि हाई महाराजा अपन को दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाई महाराजा तो अपन को देख रहा होगा। इवन इफ वी कैन नॉट सी हिम, हम जब महाराजा को नहीं देख सकते तब भी हाई महाराजा तो अपन को देख सकते हैं। बट वी हैव टू आस्क, सेड लाल। लाल ने कहा लेकिन हमें पूछना तो होगा। वी ऑलवेज आस्क हिम फर्स्ट, हमें पूछना तो होगा क्योंकि हम हमेशा पहले उसी से पूछते हैं। आई सपोज वी कुड सलाम, सेड रसीदा। रसीदा ने कहा कि मुझे लगता है हमें उसको सलाम कर लेना चाहिए, हमें उसे नमस्कार कर लेना चाहिए। देट शुड सेटिस्फाई हिम, हमारे सलाम से ही वो सेटिस्फाई हो जाएगा। But it was Lal. She was thinking about not the High Maharaja. लेकिन ये लाल जो कि High Maharaja के बारे में नहीं सोच रही थी। We bowed very low towards the third hill. हमने तीसरी पहाड़ी की तरफ काफी नीचे तक झुककर प्रणाम किया। Then Rasida began grabbing at the kites. इसके बाद में जो रसीदा थी उसने पतंगों को जकड़ना शुरू किया, मतलब अपने हाथों में पकड़ना शुरू किया। वी पुट लाल स्काइट फर्स्ट अप, सबसे पहले हम लाल की पतंग को सबसे पहले ऊपर चढ़ाते थे। ही वॉज लिटिल, क्योंकि वो सबसे छोटा था।
एंड ऑलवेज नीडेड हेल्प, और उसको हमेशा सहायता की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि लाल इतना छोटा था कि वह अकेला पतंग को आसमान में नहीं चढ़ा सकता था। देन रसीदा एंड आई पुट माइन अप, फिर रसीदा और मैं अपनी पतंगों को ऊपर चढ़ाती। समटाइम्स आई नीडेड हेल्प देम हेल्प टू, कई बार मुझे उनकी भी सहायता की आवश्यकता पड़ती थी। आई नीडेड हेल्प टू, कई बार मुझे भी सहायता लेने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन उसको कोई सहायता की आवश्यकता नहीं होती थी। देन रसीदा पुट हर ऑन अप, इसके बाद में रसीदा अपनी पतंग को ऊपर चढ़ा लेती। शी वॉज बिगर देन वीवर, क्योंकि रसीदा मेरे से और लाल से दोनों से बड़ी थी। एंड सी नेवर नीडेड हेल्प, और उसको सहायता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती थी। द काइट्स फ्लू हाई राइडिंग द विंड, पतंगे आसमान में ऊपर चढ़ गई, हवा के अंदर उड़ने लगी, हवा की सवारी करने लगी। द न्यूज पेपर काइट्स डांस्ड, समाचार पत्रों के कागज वाली जो पतंगे थी उन्होंने नृत्य किया। एंड रसीदाज ब्राइट ऑरेंज काइट सेंग फॉर देम, और रसीदा की जो चमकीली नीले ऑरेंज रंग की पतंग थी उस पतंग ने उनके लिए गाना गाया। सेंग फॉर अस सेंग फॉर द वर्ल्ड, रसीदा की पतंग ने हमारी पतंगों के लिए गाना गाया, हमारे लिए गाना गाया, पूरे के पूरे संसार के लिए गाना गाया। द स्ट्रिंग स्पम ऑन द रोलर्स प्लेइंग आउट एंड आउट, यानी कि चरखियां घूम घूम कर जो डोर थी वो बाहर से बाहर निकलती जा रही थी, कहने का मतलब ढील लगती जा रही थी। वाइट द काइट्स वाइल द काइट्स डांस्ड हायर, और पतंगे ऊंची से ऊंची नृत्य कर रही थी, यानी पतंगे ऊपर से और ऊपर की तरफ जा रही थी। दे वर पुलिंग एट अवर हैंड्स, वे हमारे हाथों से खींच रही थी। एंड आर्म्स एंड वी वर रनिंग विद देम, और हम उन पतंगों के साथ दौड़ रहे थे। कई बार होता है ना, जब पतंग काफी ऊपर उड़ रही होती है, हवा तेज होती है, तो ऐसा लगता है जैसे पतंग हमें खींच रही है और उसके दबाव में हम पतंगों के साथ साथ भाग रहे हैं। देन इट वॉज एज दो वी वर फ्लाइंग एंड डांसिंग थ्रू, और पतंगों के साथ साथ उछलते हुए आगे पीछे चलते हुए हमें भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मानो हम भी पतंगों के साथ साथ नाच रहे हैं, उछल रहे हैं। सडनली लाल गेव अ शाउट, लुक द हाई महाराजा, इतने में लाल ने चिल्ला कर कहा, वो देखो हाई महाराजा, वो देखो हाई महाराजा। एंड देयर ही वॉज द हाई महाराजा ऑफ द स्काई, और हमने भी देखा हाई महाराजा आसमान का जो राजा था वो आसमान में था, द ग्रेट ईगल। ये हाई महाराजा कौन था? एक बहुत बड़ा ईगल था, एक बहुत बड़ा, जिसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, बाज, एक बहुत बड़ा बाज पक्षी था। दैट ऑन द एयर, दैट ऑन द एयर, जो हवा में उड़ रहा था। दैट ऑन द एयर, जो हवा का मालिक था। सडनली एंड विदाउट हैस्ट ही सर्कल द थ्री काइट्स, बिना किसी जल्दबाजी के उसने हमारी तीनों पतंगों के चक्कर लगाया, हमारी तीनों पतंगों के चक्कर लगाया। हिज विंग हार्डली मूव, उसके पंख हवा के अंदर बिल्कुल स्थिर थे, और स्थिर पंखों से वो चक्कर लगा रहा था। ही ग्लाइडेड सोलोमनी वाइल दे डांस्ड फॉर हिम एंड रसीदास काइट सैंग, जब हमारी पतंगे उसके लिए नाच रही थी और रसीदा की पतंग गाना गा रही थी, तो उसने अपने पंखों को क्या कर लिया था, स्थिर कर लिया था। एंड देन एज इफ अप्रूविंग ही शॉट सडनली हाई, और फिर जैसे कि मानो उन बात को अप्रूव करके सहमति देते हुए वो आसमान में काफी ऊपर चला गया हो। हायर देन ऑल द काइट्स इन द वर्ल्ड, इतनी ऊंचाई पर जितनी ऊंचाई पर संसार की कोई पतंग नहीं जाती, यानी कि संसार की जितनी भी पतंगे जितनी ऊंचाई पर उड़ती है उससे भी काफी ऊपर ऊंचाई पर वो उड़ रहा था। ही सर्कल्ड वंस मोर लुकिंग एट अस, एक बार फिर उस हाई महाराजा ने हमारी तरफ देखकर पतंगों के चारों तरफ सर्कल बना लिया। एंड देन फ्लू टुवर्ड्स द थर्ड हिल, और इसके बाद वो तीसरी पहाड़ी की तरफ उड़कर चला गया। ही इज ब्यूटीफुल सेड रसीदा, रसीदा ने कहा कि हाई महाराजा बहुत सुंदर है। ही इज टू बिग आई सेड, मैंने कहा कि वो बहुत बड़ा है। आई एम ग्लैड ही डजंट कम क्लोज टू अस, मेरे को तो इस बात की खुशी है कि वो हाई महाराजा हमारे समीप नहीं आता।
ही इज द हाई महाराजा सेड लाल, तभी लाल ने कहा कि वो हाई महाराजा है, ही वुड नेवर हर्ट अस, वो कभी भी हमें हर्ट नहीं करेगा, कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर लिख लो एक बार, बाकी चैप्टर कल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, वेयर डिड द थ्री चिल्ड्रन प्ले काइट्स एंड व्हाई, तीनों बच्चे कौन सी जगह और क्यों पतंगे उड़ाते थे, मतलब उसी जगह पतंगे क्यों उड़ाते थे, ये आप इसके जवाब में लिखेंगे। What does What did writer say about her and Lal's kites? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ वॉच स्पेशल एंड डिफरेंट, What was voice of
बेटा ये 6 क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबने ले लिया? और कोई डाउट्स है आपके? डू यू हैव एनी डाउट? क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा? क्लियर दिख रहा है? इस समय तो आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी कोई, बाकी तो बोर्ड तो बिल्कुल क्लियर है। इस समय तो आप देख सकते हो। एक बार दोबारा आप स्क्रीनशॉट ले लो, विशेष एक बार दोबारा ले लो स्क्रीनशॉट, और फिर इसको जूम करके देख लेना, जूम करके यदि कोई दिक्कत आए तो। ठीक है? ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। सी यू टुमारो।